today's session, we have to carry out the rate analysis for RCC work having proportion 1:1.5:3 for beam with 2% steel. तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि कंक्रीट वर्क है और दूसरा है भी रेनफोर्समेंट. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज वी हैव टू अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ वर्क. सो देयरफॉर अज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ वर्क इज इक्वल टू 10 क्यूबिक मीटर कंसीडर. तो उसका एवरेज लिया है यहां पे मैंने 50 to 55. तो उसका दोनों का एवरेज कितना आता है, लोअर और हायर का 52.5%. सो आई विल कंसीडर 52.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम फॉर द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड कॉन्क्रीट. 52.5% वी हैव टू एड इन टू द वॉल्यूम ऑफ वर्क. जो भी हमने अज्यूम किया है वॉल्यूम, उसमें 52.5% एड करना है. तो ये क्यों एड करते हैं, क्योंकि जो फिनिश्ड कॉन्क्रीट वर्क रहता है तो इसको लगने वाला जो मटेरियल है ड्राई स्टेट में, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है. तो इसलिए 52.5% हम अज्यूम करते हैं. सो नाउ कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क. टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क इज इक्वल टू 10 + 5.25 विच इज इक्वल टू 15.25 क्यूबिक मीटर. सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क. इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट. जस्ट यूज दैट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल वैल्यू बाय एडिंग 50 to 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट. तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया है आपका, 15.25 डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन कितना है, 1:1.5:3 इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट इनटू 1 विच इज इक्वल टू 2.772 क्यूबिक मीटर. सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट which is required to complete the RCC work of beam having proportion 1:1.5:3. Similarly, we have to calculate the quantity of sand. Now, calculate the quantity of sand which is equal to numerical value by adding 50 to 55% of total volume divided by sum of proportion into part of sand. Which is equal to 4.159 cubic meter. After that, calculate the quantity of aggregate. cubic meter. Finally, calculate the weight of steel which is 2% of volume of concrete. तो volume of concrete कितना assume किया है हमने, 10 cubic meter है ना. तो 10 cubic meter के 2% हमें steel वहां पे provide करना है beam में. तो इसलिए 10% कितना आता है, देखिए 10 × 2/100 विच इज इक्वल टू 0.2 क्यूबिक मीटर. तो इसको क्यूबिक मीटर को क्विंटल में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 78.5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 0.2 × 78.50 क्विंटल विच इज इक्वल टू 15.7 क्विंटल. उसके बाद है बाइंडिंग वायर विच इज प्रोवाइडेड
अबाउट 1 kg पर क्विंटल एंड विच इज इक्वल टू 15.7 kg. कैलकुलेट द लेबर रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी वर्क फॉर 10 क्यूबिक मीटर. एज वी नो दिस इज द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द 10 क्यूबिक मीटर, दैट इज हेड मेसन हाफ, मेसन 3, मजदूर 18, भिस्टी 4 नंबर्स. दिस लेबर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्क्रीट वर्क. सिमिलरली रेनफोर्समेंट भी है. सो लेबर रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्समेंट वर्क फॉर 1 क्विंटल विच इज इक्वल टू मेसन कम ब्लैक स्मिथ 1 नंबर्स एंड मजदूर 1. सो सिमिलरली लेबर रिक्वायर्ड फॉर सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर फ्लैट सरफेस फॉर 10 स्क्वायर मीटर. सो फॉर दैट 3 नंबर्स ऑफ कारपेंटर वी रिक्वायर्ड एंड 4 नंबर्स ऑफ सपोर्टिंग मजदूर वी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर द बीम वर्क. पर्टिकुलर्स उसके बाद है आपका क्वांटिटी, यूनिट, रेट एंड अमाउंट. पर्टिकुलर्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन मटेरियल्स में आपका पहला है सीमेंट. व्हाट इज द क्वांटिटी फॉर सीमेंट, 2.772. व्हाट इज द यूनिट फॉर दैट, क्यूबिक मीटर. बट वी हैव टू कैलकुलेट इन टू द बैग. सो हाउ टू कन्वर्ट क्यूबिक मीटर इन टू बैग, जस्ट डिवाइड बाय 0.035. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर 1 bag, 0.035 क्यूबिक मीटर. सो इफ वी डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय 0.035 विल गेट द नंबर ऑफ बैग्स. सो टेल मी द नंबर ऑफ बैग्स. यस, 79.2 बैग. सो टेल मी द रेट ऑफ 1 bag, 300 पर बैग. So this is the amount for the cement bag. Second one, sand. So tell me the total quantity of sand. 4.159. What is the unit? Cubic meter. Tell me the rate. 1781 per cubic meter. Tell me the total amount for the sand. 7,407. After that, aggregate. What is the volume for aggregate? 8.318. Unit is cubic meter. And what is the rate for aggregate? 1050 per cubic meter.
8733 in material steel, 15.7 quintal, unit is quintal. So what is the rate for steel? 6 to 50. So 15.7 into 6 to 50, which gives the total amount for the steel. 98,125 rupees. So this is the amount which is required for the steel. So this is the steel having total quantity 50.7 quintal, unit is quintal, and rate of steel per quintal is 6,250, which gives the total amount 98,125. Similarly, binding wire. So what is the total quantity for binding wire? 15.7 kg, unit is kg. And what is the rate? 91 rupees per kg. Yes, total amount 1,428.7. Now tell me the total amount for the material. Just add this one. 1,39,453.7. So this amount is required for the material only. Similarly, second one is labor for RCC work. What are the labor required for RCC work? Head mason, mason. हेड मेसन कितना लगेगा? 1/4, 1/2, हाफ हेड मेसन. सो आई विल राइट इन द क्वांटिटी हाफ हेड मेसन. सो व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस नंबर? नॉस. एंड व्हाट इज द रेट फॉर हेड मेसन? 677. ₹338.5. After that mason, how many numbers? 3 masons. So what is the rate for mason? 527. Tell me the amount. 81. Very good. After that, mazdoor. How many numbers? 18. Unit is nos. What is the rate of mazdoor? 450.
विच गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ मजदूर 18 × 4 1100. After that, this T, 4 numbers of this T we require. Yes? NOS 400. Now for reinforcement. Mason come blacksmith and supporting mazdoor. So I will write here Mason come blacksmith, or directly I will write here blacksmith. And second one is supporting mazdoor for blacksmithing. So how many numbers of blacksmithing we require? One. And supporting mazdoor? One. So I will write here one in mazdoor column. One unit is NOS. Rate for blacksmith is 527, and for mazdoor 450. So tell me the total amount for blacksmith and mazdoor. 527 and 450. Now, so this is for the reinforcement, and last part for centering and shuttering. Carpenter and mazdoor. So I will write here carpenter and mazdoor. Yes, how many carpenters we required? Three. And mazdoor? Four. Three numbers of carpenters we required, and four numbers of mazdoor we required for the centering and shuttering work. Unit is NOS, and rate for this is 527, and mazdoor as it is 450. 1081 for the carpenter, and for mazdoor 1800 for the mazdoor. Tell me the total amount required for the labors. 977 rupees. This amount is incurred for the labor. Now just add A plus B, which is equal to, ये मतलब क्या है, material का जो cost आया था कितना आया था, 1,39,453.7 plus 1,55,477. So this is the amount, total amount which is incurred for the construction of 10 cubic meter of beam. Before that, we have to add the overhead charges and contractor's profit. That charges we have to add. So I will write here, add add 5% of
ओवरहेड एंड एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन टू वन सेवेंटी वन सेवेंटी वन सेवेंटी वन फाइव थ्री. सो दिस इज द ओवरहेड और एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस. अगेन एड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट. Which is equal to 15,542. Now add this one. Total amount equal to 1,78,740. So this is the total amount. Now calculate the rate per cubic meter, which is equal to 1,78,745.3 divided by 10. Seventeen thousand eight seventy four point five three.